नंदा भगवती बदनगी नंदा भगवती बदनगी नंदा कुरुणगी नंदा भगवती भगवती जासिनी हो जाया भगवती जासिनी हो जाया। हमारी नथनी है, हाँ नथ नथ, ये हमारी मांग टीका। ये तो मां को पता है, पुराना जीवर है। सबसे पहले तो भजन कीर्तन से आज समझ गए हो कि कोई धार्मिक आयोजन चल रहा है। जी हाँ, नमस्कार, मैं सोनू कश्यप आपके साथ आज फिर खास जानकारी आपके लिए लेकर आया हूँ। क्योंकि आप देख सकते हैं कि नंदा देवी जी का हर वर्ष जो एक भव्य आयोजन मनाया जाता है, क्योंकि आपको एक कहानी पढ़ी होगी आपने, माँ नंदा राजजात की जो कहानी प्रचलित है, जो 12 साल में एक बार एक यात्रा निकलती है, उसी पर आज हम चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात हम आपको बता दें कि आपके क्षेत्र रुड़की में मंदिर बन चुका है। आप पीछे देख सकते हैं कि माँ नंदा देवी का मंदिर बना है। क्या कहानी है, क्या प्रचलन, एक कहावत है माँ नंदा राजजात की। लेकिन सबसे पहले हम यहाँ के जो अध्यक्ष जी हैं बच्चन सिंह नेगी जी, वो इस वक्त हमारे साथ हैं, उनसे जानकारी लेने वाले हैं कि मंदिर में आस्था और श्रद्धा क्या थी। बहुत बहुत स्वागत है अध्यक्ष जी आपका। अध्यक्ष जी एक जानकारी हमें चाहेंगे कि आज जैसे कि मंदिर का निर्माण हुआ है, किस तरह का सौभाग्य था और कितने लोगों ने इसमें समर्थन दिया था? सौभाग्य तो हमारा ये था कि जो हम पहले नंदा कॉलोनी में हैं और पहाड़ी मूल से आते हैं जी। और पहाड़ से शिफ्ट होकर यहाँ पे आए हैं। हिंदू है, आस्था तो धर्म के तो है ही, एक अपने धर्म के प्रति तो चलिए सही बात है, लेकिन भारतीय संस्कृति को किस तरह से बचा रहे हैं। और ये रही पहाड़ की संस्कृति, यानी पहाड़ की संस्कृति सभ्यता को हम देख रहे हैं कि बच्चे हैं, महिलाएं हैं, सभी एक ड्रेस कोड में दिखाई दे रहे हैं। हमारा पहनावा ही है, जो पहनावा होता हमारे पहाड़ी लोगों को या शादीशुदा औरतों को, ये साड़ी है। एक सबसे बड़ा सवाल उठ जाता है कि संस्कृति भूल रहे हैं लोग, बच्चे लोग, नई वाली पीढ़ी भूल रही है, लेकिन जिंदा कैसे रखते हैं आप उसको? जिंदा रखे, अभी हमने कई नियम बनाए हैं मंदिर माने के भी, कि कोई जींस में नहीं आएगा, कोई पैंट में नहीं आएगा, कुर्ता पैजामा में आएगा, दर्शन करेगा, ड्रेस कोड है। और कोई भी हमारा बच्चा जींस में नहीं आता, लड़कियां हमारी वो कुर्ता सलवार में आती हैं और जेंट्स कुर्ता पैजामा में आते हैं। ये अभी यहाँ पर पूजा अर्चना चल रही थी, मंदिर भी बन चुका है, तो पूजा पाठ हर वर्ष किस तरह से यहाँ पर आयोजित की जाएगी? बसंत पंचमी को हमारा ये मूर्ति स्थापना का जो दिन है वो निकला है, और हमने जो इसका नींव रखी थी वो भी बसंत पंचमी की रखी थी। तो हमने उसी डेट पे जिस दिन हमने वो रखा, तो उसी दिन का हमने ये दिन रखा है कि भाई इस दिन को हमारा स्थापना दिवस मनाया जाए। बहुत सारे पहाड़ी क्षेत्र के जो निवासी हैं वो दिल्ली में भी रह रहे हैं, और बहुत अलग अलग जगहों पर रह रहे हैं, लेकिन संस्कृति सभ्यता को भूल रहे हैं, उनको क्या संदेश है? पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ। ये जो देवभूमि कहने के नाम से जो उत्तराखंड देवभूमि है, हम लोग पर्वतीय इलाके से आते हैं, जहाँ पर हमारे यहाँ पूरी देवी देवताओं के हर तरह से मंदिर बने रहते हैं, वहाँ की आस्था पर हम लोग जिए रहते हैं। हमारी संस्कृति भी यही बोलती है, पहनाव से लेके हमारी संस्कृति जो भी है, तो हम लोग वहाँ से आ गए तो अब हमारे दिल में हो रही कि केवल हम ही लोग अपना गाँव छोड़ के आ गए, अब हमारे बच्चे इस संस्कृति को भूलते चले जा रहे हैं। तो जितने भी ये लोग हैं, पूर्व सैनिक से हम लोग आते हैं, तो अब हम लोग अलग अलग कॉलोनी में बैठ गए, तो बैठने के बाद हम सोच रहे हैं कि हम अपनी संस्कृति को भूलने के बजाय क्यों ना याद किया जाए, अपने पहनाव को, अपने देवी देवताओं को। इसी रूप से जितने टाइम आगे हमारे बच्चे रहेंगे, वो कोशिश करेंगे हमारे पूर्वज ने कुछ काम किया है, जो आज मंदिर बना के आज बच्चन सिंह जी का मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ कि इन्होंने अपनी कॉलोनी में भी इतने संघर्ष के साथ 10 दिन से ये पूजा पाठ का भी नियम रखा है और पूरी संस्कृति को बचाने के, जैसा ये अभी बता रहे हैं कि हमने ड्रेस कोड के अनुसार भी, मंदिर में कोई आए तो अपनी संस्कृति से आएगा, जीन्स या टॉप से पहन के या दूसरी चीज़ पहन के ना आए, बच्चे भी आए तो अपने ड्रेस से ही आए। ये बहुत अच्छी है, ये याददाश्त की संस्कृति हमारी, और अपनी संस्कृति को न बोला, हम इसको जागरूक करते रहेंगे, यानी इसको आगे पीढ़ी दर पीढ़ी लेके जाएंगे, पीढ़ी दर पीढ़ी जाए जा, आज बनी हुए ये मंदिर तो आप पीढ़ी दर पीढ़ी का रहेगा, तो दूसरे हमारी दूसरी पीढ़ी बोलेगी कि भाई हमारे पूर्वजों ने किया, ये हमारी आगे बढ़ता रहेगा। ये आपकी जानकारी के लिए बता दो, इस वक्त हम हैं क्योंकि पूर्व सैनिक हैं, और सभी पूर्व सैनिक जो है आज एक संगठन बनाकर इस तरह से अपनी अपनी छोटी छोटी कॉलोनियों के अंदर मंदिर निर्माण और पूजा अर्चना, यानी पुरानी पद्धति जो है उसको जीवित रख रहे हैं, क्योंकि इनके जो पूर्वज थे उन्होंने इनको कहा आगे बढ़े, ये अब आगे सपोर्ट करें। आप भी देव संस्कृति है, क्योंकि देवभूमि से आप सब बिलोंग करते, देव संस्कृति को आगे बढ़ाएं। शिक्षा की बात हम कर लेते, क्योंकि शिक्षक साहब हमारे साथ में, तो शिक्षा के साथ संस्कार भी आप दे रहे हैं, अपने स्कूल में भी दे रहे हैं। सबसे बड़ी जानकारी मैं चाहूँगा कि बच्चों को किस तरह से संस्कार देखिए, सबसे पहले तो
आपका भी धन्यवाद, और नंदा कॉलोनी में जो अध्यक्ष जी हैं बच्चन सिंह नेगी और उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि इस प्रकार से उन्होंने अपनी धार्मिक जो हमारी सांस्कृतिक जो धरोहर है उनको संभाल के आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। और यही चीज़ें जो शिक्षा के क्षेत्र में भी इसी चीज़ को हम आगे लाने का प्रयास करते हैं कि बच्चे सभ्य बने, सभ्य समाज का एक हिस्सा बने और देश और राष्ट्र को आगे ले जाने का कार्य करें, और उसमें जो हमारी धार्मिक जो आस्थाएँ हैं और हमारी जो संस्कृति है वो बहुत बड़ा रोल उसमें अदा करती है। अभी जैसे उन्होंने कहा कि हमने इसमें ड्रेस कोड इसमें अलाउ किया है, ये बहुत अच्छी बात है। जब हम अपनी संस्कृति से जुड़ते हैं तो हमें रूबरू ये भी होना चाहिए कि हमारा पहनावा क्या है, हमारा खान पान किस तरह का है, हम किस तरह के समाज में रहने का हमने किस तरह से हमें प्रयत्न करना चाहिए और किस प्रकार से हमें अपने समाज को है उन्नति को ले जाना है। देखो अभी आपने हमारे यहाँ जितने भी पर्वतीय समाज में यहाँ जितने भी कॉलोनीज हैं लगभग सभी इस महीने तो सभी के भंडारे होते हैं। अभी आपने देखा होगा पीछे आदर्श शिवाजी नगर में, शिवाजी कॉलोनी में, न्यू भारत कॉलोनी में, भारत कॉलोनी में, कीर्ति नगर में, लगभग सभी जगह जो है मंदिरों का निर्माण हुआ है। और जिस तेज़ी से हमारे पर्वतीय मूल के लोग और इस क्षेत्र के लोग खासकर हमारे उत्तराखंड में रुड़की में जिस तरह से विस्तार हो रहा है धार्मिक जो आस्थाओं का, उसके लिए सब बधाई के पात्र हैं। पूरे हिंदू समाज को मैं इसके लिए बधाई देता हूँ कि वो आगे आए और इस प्रकार के कार्य करते रहे। विद्यालयों में भी मेरे टीचरों से भी मेरा अनुरोध है और सभी से भी मेरा अनुरोध है हिंदू समाज से कि अपने बच्चों को धार्मिक और सांस्कृतिक जो विरासत है उसको आगे बढ़ाने का काम करें। जैसे कि हम बताते हैं आपको कि अगर कहीं ना कहीं गड़बड़ हो गया, कुछ प्रकृति के साथ कोई छेड़छाड़ की जाएगी तो उसका जो हर्जाना है वो भी भरना पड़ता है। कुछ जगह जैसे आपदाएं आ रही है उसमें क्या कोई दैवीय शक्ति का भी? जरूर जी, सबसे पहले मैं राइट न्यूज़ का धन्यवाद करता हूँ और जो बाहर से आए हुए लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, जो कि उन्होंने हमारा इतना सहयोग करके हमारे मंदिर के लिए उन्होंने बहुत सहयोग दिया। हम उनका पहले तहे दिल से पूरी नंदा कॉलोनी उनका तहे दिल से धन्यवाद करती है। देवभूमि हमारे ऐसे है कि प्रलय आने का कारण यह है कि जहाँ भी ये आते हैं प्रलय आते हैं ये देवी देवताओं का प्रकोप ही होता है। हम लोग क्या है देवभूमि के रहने वाले हैं और देवी देवताओं का ज़्यादा भक्त हैं और जो भी जाए हैं देवी देवताओं को ज़्यादा प्रकट करते हैं। जैसे आपको पता है कि 2013 में ज्वालादेवी में वहाँ धारी देवी को उठाया तो देवी का प्रकट वहाँ हो गई। तो ऐसे हम ये चाहते हैं कि हमारी इस जो संस्कृति है हम इसको आगे बढ़ाएं और हमारे बच्चों को कि जो हमें हिंदू समाज को और खासकर पहाड़ी समाज को आगे बढ़ाना है। और नंबर दो, हम इसलिए मंदिर जगह जगह इसलिए बना रहे हैं कि जो हमारे बच्चे जगह जगह उल्टी जगह नशा जगह जगह जा रहे हैं उस चीज़ को मुक्त करने की, उनको उसकी जगह मंदिर में आ जाएंगे तो दो अच्छे शब्द हैं, उनको अच्छी शिक्षा मिला है, अच्छा व्यवहार मिला है, उनके यही धन्यवाद करता हूँ। बिल्कुल धन्यवाद इसके लिए। तो नशा नाश का कारण है ये भी हम सबसे पहले आपको बता दें। आप पीछे देख सकते हैं पीछे महिला का भी ग्रुप चल रहा है और वो भी जानकारी लेंगे, लेकिन सबसे पहले एक थोड़ी सी और, नशा नाश का कारण है इस पर आप क्या कहेंगे? नशा का ऐसा है कि हमारे उत्तराखंड में तो इसका था नहीं, लेकिन जब बाहर आए तो यहाँ पे दूसरे प्रवृत्ति के लोगों के साथ मिल करके ये नशे का हुआ है। हम चाहते हैं कि हम जितने भी हिंदू धर्म अपने उत्तराखंड के लोग हैं एकता होकर के इसको इसे दूर करें। इसके लिए धन्यवाद आपका। थोड़ी सी जानकारी मोड़ दें क्योंकि महिलाओं का हम बताएं कि महिलाओं का सबसे बड़ा अहम योग होता है पूजा अर्चना। अगर घर की बात करें तो घर में सबसे मानी जाती है कि लक्ष्मी का वास है जहाँ पर घर में महिला का वास है। तो बेटी घर में अगर पैदा हो जाएगी तो बेटी के आने से लक्ष्मी देवी के रूप में प्रकट हो जाती है। तो देवियों से जानकारी लेंगे। माता जय माता की जय माता नंदा देवी। अभी जैसे कि मंदिर में गए थे आप लोग पूजा अर्चना की है, क्या कहेंगे माता जी के बारे में? हम तो ये कहेंगे कि अभी हमारे यहाँ नंदा देवी राजराजेश्वरी संपूर्ण रूप में विराजित हो गई है। अभी आप सभी लोग ऐसा नहीं लग रहा है कि हम अभी उत्तराखंड में हैं, लग रहा है कि रुड़की में ही नंदा देवी का वास हो गया है। जय माँ नंदा देवी। नंदा देवी सभी की मनोकामना पूर्ण करें, जो जहाँ रहें वहाँ स्वस्थ रहें, सबकी मनोकामना पूर्ण करें। जय माँ नंदा देवी। और भी ले लेते हैं क्योंकि एक चहल पहल है आज, ऐसा लग रहा है कि एक मेला जैसे कि लग रहा हो और बड़ा कोई त्यौहार हो, मेले जैसा ही आज एक फील हो रहा है क्योंकि मंदिर के नंदा कॉलोनी में माता का आगमन आज हुआ है। माता के आगमन के बारे में क्या ये बोलने वाली है लेकिन बहुत देर में बोलती है, माँ नंदा देवी के बारे में आज क्या कहेंगे? नंदा देवी के बारे में क्या कहेंगे, हम सारे कॉलोनी वाले खुश हैं और गढ़वाल से हमारी माँ यहाँ आ रखी है, बहुत खुश है। सारी दुनिया ये इधर सारे नंदा कॉलोनी बुचड़ी दुर्गा कॉलोनी, मतलब जो श्रद्धा आपको पहाड़ में मिलती थी वो आप यहीं पे मिल गया? हाँ। वो यहाँ पे मिल गई, मिल रही है, आपको भी दिख रही होगी बहुत जगह। इतने कॉलोनी में कम है इंसान है, यहाँ पे पूरे भर रखे, पता नहीं कहाँ कहाँ से आ रखे हैं ये पता नहीं। जय
जय मां नंदा देवी। तो यानी पूरी पहाड़ सभ्यता जो है आपको, हम बताएं कि पर्वतीय क्षेत्र के जो सारे लोग हैं आज यहीं पर इकट्ठा हैं, आप भी पूजा अर्चना करते हैं? और हाँ करते हैं। कैसा महसूस होता है जब आप मंदिर जाते हैं? अच्छा लगता है। और आज जैसे कि पहाड़ी संस्कृति जो आप बचपन में देखा होगा आपने कि पहाड़ों में नंदा देवी की पूजा अर्चना की जाती थी, लेकिन आज यहीं पर आपको मिल रही है? मिल गई। हाँ। तो किस किस का सहयोग इसमें रहा? किसको? सभी का, सारी कॉलोनी वालों का, खासकर हमारे अध्यक्ष जी उनका रहा, और नहीं हमारे सभी सारी कॉलोनी वालों का रहा। पहाड़ी संस्कृति को आगे बढ़ा रहे हैं, पूजा अर्चना को बढ़ा रहे हैं, बच्चों को क्या संदेश है? ये संदेश हमारा कि हमारे बच्चे फले फूले आगे, हमारे बच्चे सक्सेस बने, ठीक है, हमारी माता रानी का हमारे बच्चों पे आशीर्वाद बना रहा है। सारे ऐसे बच्चे हैं जो अपनी पहाड़ी संस्कृति सभ्यता को भूलते जा रहे हैं, उनको आप किस तरह से? ना भूलते नहीं जा रहे, हम ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे अपनी पहाड़ी संस्कृति ना भूले और अपनी पहाड़ी संस्कृति के साथ अपना भविष्य उज्जवल करे आगे। धन्यवाद। धन्यवाद। भाषा की बात कर लेते कि भाषा जो पहाड़ी क्षेत्र की जो दो भाषाएं हैं, कुमाऊनी और गढ़वाली, दो भाषाओं का एक सहयोग होता है। भाषाएं बहुत सारे बच्चे हैं जो आज गढ़वाली भाषा भूल रहे हैं, उनको कैसे? भैया वो गढ़वाली तो बोलते ही नहीं, सारे हिंदी में बोल रहे हैं हम लोगों के बच्चे। बोलना चाहिए, तो बोलना चाहिए उनको। उनको आप नहीं बोलते कि आप? बोलते हैं, हम तो उनको बोलते हैं कि गढ़वाली में बोलो। मैं खुद उनके साथ गढ़वाली में बात करती हूँ, मगर वो फिर भी हिंदी में बोलते हैं, आधा आधा बोलते हैं। इसको इस पे क्या समाधान है? क्या समझ जाते हैं इससे? ये है कि वो समझ जाते हैं मेरे बोलने से, समझ जाते पर बोल नहीं सकते, बोल नहीं पाते, काफी कोशिश करते हैं बोलने की। तो उनको और कैसे आगे सिखाया जाए बच्चों को? आगे सिखाया जाए, हमें उनके साथ गढ़वाली में बात करनी पड़ेगी, फिर सीखेंगे वो। लेकिन क्या ये सही है कि उनको उसी सभ्यता से जोड़ा जाए या नहीं जोड़ना चाहिए? हाँ सही है, बिल्कुल सही है, किसी सभ्यता से जोड़ना चाहिए उनको। जो पारंपरिक जो एक जो परिवार से हमें मिला है, जो परिवार से हमें मिला, उसको आगे कैसे पढ़ाएंगे? उनको अपनी संस्कृति बार बार दिखानी चाहिए, उनको देखने के लिए लाना चाहिए, ऐसे उसमें जो हमारे सभ्यता है उसमें उसके बीच माहौल क्रिएट करना चाहिए बार बार। आज जैसे सबने एक जैसे ड्रेस पहनी है, इसका क्या खास आयोजन था? इसका भी हमारी एकता की पहचान है, ये हमारी नंदा कलोनी की पहचान है। दो ड्रेस बना रखी है, एक रेड है एक ब्लू है, ये हमारी नंदा कलोनी की पहचान है भैया। तो नंदा कलोनी की पहचान है इनके कपड़ों से? ये सारे इधर फैल गए हैं कि नंदा कॉलोनी की ड्रेस सारे बनाएंगे, क्योंकि माता ने दी है ये ड्रेस, किसी की नहीं थी आज तक, अभी शुरू हो गई, माता ने दिया, सब बोल रहे कि नंदा कॉलोनी सबसे बेस्ट है, बहुत अच्छा वो कर रखा है, जो भी पहना हुआ है सब माँ ने दिया है। हम तो महिलाओं के लिए ड्रेस है, पुरुषों के लिए ड्रेस है? नहीं, पुरुषों के लिए, महिलाओं के लिए भी है, महिलाओं के लिए दो है, पुरुषों के लिए हाँ एक है। आपको बता दें कि बहुत अच्छा लगता है जब एक ही ड्रेस में सबको निकलते हैं सब लोग, और पूजा अर्चना करके बहुत भव्य आयोजन मिल जाता है, क्योंकि माँ नंदा देवी जहाँ पे विराजमान होते हैं वहीं पर खुशहाली की प्रतीक हो जाती है। कुछ जगह पर जैसे बाढ़ आ रही है कुछ पहाड़ी क्षेत्र में, उन पर कुछ कहेंगे आप कि वो क्या देवी प्रकोप है पहाड़ के क्षेत्रों में? अभी हम क्या बोल सकते, फिर उधर रहते तो हमें जैसे गुजरती, फिर हमें लगता कि हाँ ऐसे ऐसे हुए, तो हम उसके बारे में बताते, काफ़ी साल हो गए तो हम इधर ही हैं, तो अभी माँ का जयकार है कि मन में तो वही है, बस जब उधर जाते हैं तो उस टाइम तो लगता है, पर उस टाइम बोल पाएंगे अभी उसकी थोड़ा। एक चमत्कार की बात करें कि माँ नंदा देवी के चमत्कार आपने कुछ देखे, कुछ अपने बचपन में देखे हो? बहुत देखिए, हमारी तो माँ नंदा देवी जाती है हमारे तो माई के, मैं पिछले साल डोली के साथ गई हूँ, इससे मतलब यहाँ थोड़ा अभी उतना पता नहीं है ना, धीरे धीरे हम लोगों को पता चल जाएगा। माँ के तो बहुत जागरण लगते हैं ऐसे ऐसे। जो 12 साल में जब जैसे एक बार डोली निकाली जाती है, उस पर क्या किस तरह से निकलते हैं? वहाँ तो नहीं है, जहाँ माता का मेन पवित्र जगह है वहाँ तो नहीं है, मगर माँ की जो डोली जाती है मायके की तरफ से हमारा रास्ता है, तो वहाँ से हमारा जो जहाँ उनका घर से है जहाँ कैलाश जाने तक नीचे थराली से, वहाँ से तो माता जब चार सिंह वाला वो खाड़ू, हाँ तब उसके बाद अपने आप संतोली जात निकलती है 12 साल में। हाँ 12 साल में। सबसे हम आपको जानकारी दें क्योंकि पहाड़ी सभ्यता की बात करें कि वहाँ का जो पहनावा है वो सबसे अद्भुत नज़ारा देखने को मिलता है, और अभी माता जी ने देखा है जो जिस तरह से उन्होंने एक ज्वेलरी जो उनकी है पहनी, इनको क्या क्या बोलते हैं जो आप नथ में? ये हमारी नथनी है, हाँ नथ, ये हमारी मांग टीका, ये तो माँ को पता है पुराना जेवर है सबसे पहले, इसीलिए पहना है, पहले हमारा था भी नहीं यहाँ पे, कभी पहना भी नहीं, माँ के वजह से सब ने लिया, चाहे जिसके पास जितने भी पैसे ऐसे श्रृंगार कर दिया, पता ही नहीं चला कहाँ से आ रहे पैसे। माता का धन्यवाद बना दिया, जय माता सबके लिए, ऐसे ही बस माता ने जितने भी है गरीब अमीर सब एक पहनावा कर दिया, किसी को ऐसे नहीं, हाँ बराबर कि एक पहनावा करो, कोई महंगा ना सस्ता, एक जैसे दिख रहे हैं
माँ को बस यही धन्यवाद देंगे कि हमें ऐसा ऐसा ही जयकारा हमारे इधर लगने चाहिए सारे लोग दुनिया के। तो यही जानकारी हम आपको दे रहे हैं रुड़की के नंदा कॉलोनी से। नंदा कॉलोनी में आज माता जी का जो एक मंदिर बना है उसमें बीते खूनी चाड़ोला भगवती ते खूनी चाड़ोला भगवती भगवती श्री राम की श्री राम की सारी भगवती भगवती या ना घरो माँ का भगवती या ना घरो माँ का भगवती भगवती बदनगी नंदा भगवती।